तो गाइस तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस इस एपिसोड में आज हम मूव फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, आज हमारा मूव फॉर्म पूरी तरीके से। तो गाइस चलो शुरू करते हैं। तो गाइस बहुत देर तक मैं ऐसे कोबलस्टोन कलेक्ट करता हूँ। इस एपिसोड में हम थोड़ा बहुत डायमंड के आर्मर भी क्रिएट कर लेंगे, क्राफ्ट कर लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग के लिए शुगर मिल काट लेता हूँ और ज़्यादा फार्मिंग करता हूँ। तो गाइस में मैं शुगर से पेपर बना के उनसे ट्रेनिंग करना शुरू कर देता हूँ। यहाँ पर कुछ बुक ले लेते हैं। तो गाइस पिकेक्स हमने क्राफ्ट कर ली थी पहले ही, इसे पिकेक्स की ज़रूरत नहीं है, हमें खाली सॉर्ट चाहिए। गाइस फाइनली सॉर्ट आ चुकी है हमारे पास। गाइस जितनी हमारे पास चीज़ें होती है ट्रेड करने के, हम सारी इसको ट्रेड करवा देते हैं। इसमें और एमरल्ड मिल सके और मैं बाकी चीज़ें भी आप ट्रेड कर लूँगा, आर्मर वगैरह। तो गाइस हमारे पास एक इंचांटिव को ट्रेड करने हमारे पास आ चुकी है, आज हम इसको लगा देंगे पिकक्स में, हमारी पिकक्स और पावरफुल हो जाएगी फाइनली। तो बस मैंने एक्स भी ट्रेड कर ली और फिर हम मैं जा कर बुक इंचांटिव बुक आ जाता हूँ। तो बस इंचांटिव बुक आ चुकी है, इसको भी हम लगा देते हैं, फाइनली लग चुकी है। तो बाद में यहाँ से वापस फार्मिंग करने जाऊँगा ताकि हम और भी चीज़ें ट्रेड कर सकें रेजर्स से। जितने मेरे पास एमराल्ड होते हैं उसको मैं उसके बदले में चेस्ट प्लेट ले लेता हूँ। बस फाइनल मेरे पास चेस्ट प्लेट आ चुकी है। बस वाओ, इससे हमारा और ज़्यादा ताकतवर हो गया, उसको मैं वापस रख देता हूँ उस चेस्ट प्लेट को। और बस मैं यहाँ से थोड़ी पावर क्राफ्ट कर लेता हूँ गोल्ड के बदले, से मैं अपने चीज़ ले लेता हूँ जिसके वजह से मैं अपने फार्म को ऑटोमेटिक कर दूँ, कोबलस्टोन फार्म को। और जितनी चीज़ें हमने क्राफ्ट करी थी उसको लगा देते हैं यहाँ पे। तो भाई गलती से यह पावर टूट गई, इसको मैं वापस प्लेस कर देता हूँ इन्वर्टर से निकाल के। बस यहाँ पे हम लीवर बना के लगा देते हैं। तो बस मैंने एक और इंचार्टर को ट्रेड कर लिया है, उसको हम चेस्ट प्रेस भी लगा देते हैं, हमारे चेस्ट प्रेस और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी। मेरे बोट को इंचांट में लगी हुई पहले मैं आपको उसको हटा देता हूँ ग्रैंड स्टोन की मदद से। उसके बाद गाइस हम इस पर मैंडिंग की इंचांट में बुक लगा देंगे। बस लूटिंग की बुक में अपने शॉर्ट पर लगा देता हूँ, अपनी शॉर्ट बाहर चेस्ट में लग गई थी, ये स्टोरेज बहुत कम हो रही थी, फिर हमें कवर स्टोन भी कलेक्ट करने थे। तो गाइस फाइनली हमारे शॉर्ट पर भी लूटिंग 3 लग चुकी है। मैं जाता हूँ लोग कलेक्ट करने, वुड कलेक्ट करने। तो बस साइड ट्रेडिंग करने के बाद मैं एक और चार्ट में ट्रेड कर लेता हूँ, इसको हम शॉर्ट पे लगाएंगे जिसके वजह से मैं। तो बस मैं एक और बुक ट्रेड करने की चीज़ जमा कर लेता हूँ, गोल्ड बुक ट्रेड कर लेता हूँ। तो बस इसको हम लगाएंगे अपने चेस्ट प्लेट पे। तो बस हमारे चेस्ट प्लेट पे एक बुक लग चुकी है। और इसके बाद हम वुड की माइनिंग करने गए थे, क्या है हमें मूव फार्म के लिए वुड की कमी पड़ रही थी। बस में बहुत देर तक घंटों तक उन्हें वुड्स कलेक्ट करी थी। तो बस यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हमें वाटर ट्रेडर मिल जाता है जिससे मैं इसकी चीज़ ट्रेड कर लेता हूँ सेपलिंग ओक की। पहले एपिसोड हम कैक्टस फार्म बनाएंगे, इसी के लिए मैं पहले से ही थोड़ा बस कैक्टस का छोटा सा फार्म बनाया था, उससे कैक्टस फार्म बनाने में परेशानी ना हो। तो बस हम थोड़ा एरिया साफ कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे हम थोड़ा सा एरिया क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पे हम पेश बकेट बना लेता हूँ ताकि यहाँ पानी मिल सके। तो भाई जल्दी से हम चावल बना लेते हैं ताकि हमें जल्दी जल्दी चीज़ें छोड़ सकें और एरिया क्लीन कर सकें।
जो चीज़ जो जो हमारे पास कलेक्ट हो जाती है हम उसको चेस्ट में डाल देते हैं ताकि इन्वेंट्री फुल ना हो और जो मैं तोड़ सकें। इसके बाद हम और एरिया क्लीन कर देते हैं। तो बस तोड़ से तोड़ते हमें रात हो जाती है खुले में जाके। वैसे यहाँ पे हम और पंप की सीट लगा देते हैं। तो भाई यहाँ पे मैं कलेक्टिंग एरिया बना देता हूँ वाटर वाला। तो बस फाइनली यहाँ पे पूरा एरिया कलेक्ट क्लीन हो जाता है। फिर मैं यहाँ पे आता हूँ वाटर लेने के लिए। इस पानी यहाँ से पानी लगाना शुरू कर देता हूँ। बारी बारी हम सब जगह ला देते हैं पानी। यहाँ पे मैं एक टस तोड़ देता हूँ यहाँ से लाना शुरू कर देता हूँ। तो बस मैं यहाँ पे एक और वाटर का फ्लो बना देता हूँ ताकि आइटम ड्रॉप होकर यहाँ पे आ सकें। वैसे यहाँ पे हम चेस्ट लगा देंगे। तो बस हाँ पूरा एरिया कंप्लीट हो चुका है कलेक्टिंग एरिया। यहाँ पे वॉल्यूम ट्रेडर आया था ये ट्रेड चेक कर लेते हैं। तो यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ दिया था। तो बस मैं इसे जल्दी से जल्दी ट्रेड कर लेता हूँ। मैं अपनी चेस में जाकर रख देता हूँ। तो कहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोट तोड़ के हमारी एक्स की हेल्थ बहुत कम हो चुकी थी एक्स की हेल्थ। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर फार्म पे एफ के करने आता हूँ। फार्म कंप्लीट तो नहीं हुआ अभी। तो कहीं जब तक कंप्लीट नहीं हुआ है तब तक हम थोड़ा बहुत एक्सपी कलेक्ट कर लेते हैं। ऐसे करने के बाद मैं चेस चेक करता था यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी बो होती है तो उसको मैं लेने के लिए यहाँ पे एनविल क्राफ्ट कर लेता हूँ। पहले मैं एनविल क्राफ्ट कर लेता हूँ। हमारे लेवल पूरे नहीं होते तभी हम इस बो को नहीं ले सकते तो उसको मैं बाद में अपग्रेड कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत एमरल्ड ले लेता हूँ वार्डरूम ट्रेडर से ट्रेंड करने के लिए। तो बस यहाँ पे हमारे लेवल पूरे नहीं है तो अभी ये नहीं हो सकता। तो बस इसको हम बाद में कर लेंगे। जा ही रहा था फार्म के ऊपर तो बस हमें वन ट्रेड दिखा मैं एमरेट लेके आ गया था। तो मैं यहाँ से लेपिस ट्रेड करें तो देख सकते हैं। लेपिस को मैं ट्रेडिंग हॉल में लग देता हूँ। अगर हमें फोर लेवल हो चुके हैं तो मैं जल्दी से यहाँ पे अपनी बो को तैयार कर लेता हूँ। तो बस फाइनली हमारा मूव फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। बस खाली मैं यहाँ से कुछ और स्लेब बना देता हूँ और यहाँ पे ये वाटर ले लेता हूँ क्राफ्टिंग के ऊपर तोड़। फाइनली हमारा फार्म कम्प्लीट हो चुका है तो मैं यहाँ से जब मार लेता हूँ और चेक करता हूँ फार्म कैसे चल। तो मैं शुरू कर देते हैं फार्म पे। तो गाइस यहाँ पे मैं ऊपर जाने का दूसरा रास्ता बनाया था इसको मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ से अब फार्म पे चेस करने आता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं फार्म बहुत अच्छा वर्क कर। तो गाइस यहाँ पे पिस्टन मारने की रेसिपी मैं देख लेता हूँ और यहाँ पे रेस्ट रूम की ज़रूरत होती है
तो मैं जाके स्टोन निकाल लेता हूँ। और स्टोन तो शायद दूसरी चेस्ट में रखे होंगे। खास में यहाँ पे जल्द से जल्द बहुत ज़्यादा पिस्टन क्राफ्ट कर लेता हूँ, 4 पिस्टन। तो गाइस चेस्ट से हम स्टोन कलेक्ट कर लेते हैं ताकि हम स्टोन टॉर्च बना सकें। और ऑब्जर्वर भी, तो गाइस मैं जल्दी से नेदर के अंदर जाता हूँ। तो गाइस नेदर कोर्स के लिए हमें कोई नेदर वेस्ट वाली बायोम ढूंढनी पड़ेगी। पहले मैं गाइस स्केलेटन को मार देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रिजिंग करना शुरू कर देता हूँ। ये गास्ट में बहुत ज़्यादा तंग कर रही होती है, मैं इसको पहले मार देता हूँ। तो गाइस कैसे इसको मैं पता नहीं चलता कि मैं क्रॉस बटन ऑन नहीं होता, तो मैं गाइस बढ़ना शुरू करता हूँ। तो गाइस यहाँ से मैं कैसे पूछता हूँ, गाइस देखें मैं पहले यहाँ पे आता हूँ, अपने लिए कमरा बना लेता हूँ छोटा सा, कि अगर मैं मर गया हूँ तो हमारा सामान उड़ के अंदर लावा में ना जाए। तो गाइस फाइनली आग जलना बंद हो जाती है और मैं ठीक हो जाता हूँ। तो गाइस पहले मैं फूड खाता हूँ, मैं ऊपर की तरफ स्टेयर्स पर आना शुरू कर देता हूँ। स्टे बना रहा होता हूँ, ऐसे ही घास में मार रहती है। घास में वापस यहाँ पे मरते मरते बचता हूँ, जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे फूड खा लेता हूँ। तो घास में डिसाइड कर लेता, मैं अंदर में नहीं रुकूँगा, अब मैं जल्द से अपने ओवर वर्ल्ड में वापस जाऊँगा। तो वैसे मैं देखता हूँ मेरा पोर्टल कहीं और होता है, तो वैसे मैं वापस से घर जा रहा होता हूँ। तो वैसे यहाँ पे रात होती है, तो मैं एक दफ़ा यहाँ पे डे कर लेता हूँ सो के। तो वैसे मैं वापस से नेदर पोर्टल की तरफ जाता हूँ। यहाँ पे ऑब्जीडियन है, ऑब्जीडियन हमारे आने वाले बैरन के लिए काम के। तो वैसे मैं जल्दी से ऑब्जीडियन कलेक्ट कर लेता हूँ सारे। तो वैसे यहाँ पे हम एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। तो वैसे पहले हम यहाँ पर हमारा खाना ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए मैं घर जाने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस फाइनली होम स्वीट होम, बस मैं यहाँ पे जाता हूँ और पहले यहाँ पे ट्रेडिंग कर लेता हूँ थोड़ी बहुत, कि हमें पास जो चीज़ होती है। मैं बुक से पहले एमरल्ड ले लेता हूँ। शुगर कैन कलेक्ट करने के बाद वापस से मैं ट्रेडिंग करने आता हूँ लेजर्स। बाद में वापस शुगर कैन तोड़ने आता हूँ, बाद में इस बार अपना शुगर कैन कलेक्ट करूँगा और उस वापस से मैं यहाँ पे पेपर बना देता हूँ, उससे ट्रेडिंग करता हूँ। बस ये आखिर ट्रेडिंग है। जो गाइस हमारे पास फूड की बहुत कमी होती है, तो गाइस मैं जाता हूँ
यहाँ पे बहुत ज़्यादा खाऊँ से फूड कलेक्ट कर लेता हूँ सांप को मार के। पेपर से मैं बुक क्राफ्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं पेंटिंग करना शुरू कर देता हूँ। बस मैं यहाँ पे फूड डाल देता हूँ पकने के लिए, उसके बाद हमारा फूड पक चुका होगा इधर से, उसके बाद मैं आपको गले कर लेता हूँ इधर से खाना खाना शुरू कर देता हूँ। यहाँ से पहले ट्रेडिंग हो जाता हूँ, ये जितनी बुक में क्राफ्ट करी होती है उनको मैं यहाँ पे चेस्ट पर रख देता हूँ ताकि कभी ज़रूरत हो तो यहाँ पे बुक निकाल सकूँ। तो वह इसके बाद मैं एफके करने जाता हूँ पता चल सके कि फॉर्म कितना वर्क कर रहा है। तो गाइस थोड़ी देर में यहाँ पे एफके कर देता हूँ। यहाँ पे मैं वीडियो में देते हैं मैं यहाँ पे फोटो तैयार करना शुरू कर देता हूँ, जो वादा नहीं था फोटो सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा होता। तो गाइस फाइनली हमने फोटो बना लिया, तो मैं वापस यहाँ पे एफके करता हूँ। मैं चेयर में फ्रंट लगा था गाइस, मैं जल्दी से फ्रंट ले लेता हूँ, यहाँ पे फ्रंट टर्न स्ट्रिप बना लेता हूँ ताकि हम फोटो को लाइट अप कर सकें। यहाँ पे ब्लॉक ले लेते हैं, यहाँ पे ब्लॉक लगा देते हैं ताकि हम फोटो से जब ओवर वर्ल्ड में आए तो हम गिरे ना। वहाँ से इधर हम चलते हैं, तो जैसे हम नज़र में आते हैं तो गैस घास मारना शुरू हो जाती है, तो गैस पहले हम उसको मारते हैं। तो गैस यहाँ से हम ओवर वर्ल्ड में जाते हैं, तो गैस पोर्टल की वजह से हम वापस से उस जगह पे आ गए हैं। तो गैस इस पोर्टल को मैं तोड़ देता हूँ ताकि हम वापस कनेक्ट ना होता होगा। इस बार मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा पिक लगाऊंगा फोक्सी का, जिसकी वजह से हम यहाँ पे वापस ना सकें। तो यहाँ पे रूम भी आ रहे हैं, भाग लेते हैं, बस भाग के इनको मार देते हैं, इसके बाद कवर स्टोन लेके भागते हैं। तो हम यहाँ पे जाना शुरू कर देते हैं अपने बेस की तरफ। अभी ट्रेडिंग हॉल में चलते हैं कि हम दिन करवा देते हैं सो के। तो गाइस हमें सबसे पहले आर्मर स्टोन मारना पड़ेगा और एक बैनर बनाना पड़ेगा। तो गाइस इसके लिए हम सबसे पहले एक स्टोन स्मेल्ट करने डाल देते हैं ताकि हम आर्मर स्टोन बना सकें।
स्टडी हॉल में जाते हैं और एक स्टोन को स्टोन स्लैब में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एक स्टोन यहाँ पर रख देते हैं, एक स्टोन स्लैब, और बस फाइनली अब हम आर्मर बना देते हैं, आर्मर स्टैंड। तो वह हम जाते हैं शीप फार्म पे वूल लेने के लिए, और यहाँ पे हम सबसे पहले शेयर क्राफ्ट कर लेते हैं। और मैं बारी बारी सबसे वूल ले लेता हूँ, और हमें 6 वूल चाहिए, एक बिनर बना लेते हैं। तो बस फाइनली हम बिनर क्राफ्ट कर लेते हैं। तो जल्दी से हम मूव फार्म पे चले जाते हैं। तो वैसे ये मूव फॉर्म बहुत तरीके से वर्क करता है। बस अगले एपिसोड में वैसे हम कैक्टस फार्म बनाएंगे। तो बस अगर आपको एपिसोड अच्छा लगे तो बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बस अगले एपिसोड में हम कैक्टस फार्म में बनाएंगे।